बीए पार्ट सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत साहित्य का इतिहास शिशुपाल वध में डॉक्टर मनीषा गोदारा सह आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीडवाना। शिशुपाल वध के कर्ता का नाम माघ है। डॉक्टर याकोबी का मत है कि जिस प्रकार डार्विन ने अपनी प्रतिभा की प्रखरता सूचित करने के लिए भारवि सूर्य का तेज नाम रखा, उसी भांति शिशुपाल वध के अज्ञातनामा रचयिता ने अपनी कविता से भारवि को ध्वस्त करने के लिए माघ का नाम धारण किया, क्योंकि माघ मास में सूर्य की किरणें ठंडी पड़ जाती हैं। परंतु एक कल्पना बिल्कुल निराधार जान पड़ती है, शिशुपाल वध के कर्ता का व्यक्तिगत नाम ही माघ है, उपाधि नहीं। माघ की जीवन घटनाओं का पता भोज प्रबंध तथा प्रबंध चिंतामणि से लगता है। दोनों पुस्तकों में प्राय एक सी कहानी दी गई है। माघ ने ग्रंथ के अंत में अपना थोड़ा परिचय भी दिया है। इन सबको एकत्रित करने पर माघ के जीवन की रूपरेखा को हम जान सकते हैं। माघ के दादा सुप्रभो देव वर्मलात नामक राजा के, जो गुजरात के किसी प्रदेश का शासक था, प्रधानमंत्री थे। अतः माघ कवि का जन्म एक प्रतिष्ठित धनाढ्य ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता दत्तक बड़े विद्वान तथा दानी थे। गरीबों की सहायता में इन्होंने अपने धन का अधिकांश भाग लगा दिया। माघ का जन्म भीनमाल में हुआ था। प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त ने 625 ईस्वी के आसपास अपने ब्रह्मगुप्त सिद्धांत को यहीं बनाया। इन्होंने अपने को भीनमलाचार्य लिखा है। भीमसेन ने भी इसकी समृद्धि का वर्णन किया है। पिता की दानशीलता का प्रभाव पुत्र पर भी पड़ा। ये भी खूब दानी निकले। राजा भोज से इनकी बड़ी मित्रता थी। राजा भोज का इन्होंने अपने घर पर बड़े आवभगत से सत्कार किया। धीरे धीरे अधिक दान देने से निर्धन हो गए। यह धारा का प्रसिद्ध राजा भोज नहीं हो सकता। इतिहास इसे असंभव सिद्ध कर रहा है। अतएव कुछ लोग भोज प्रबंध की कथा पर विश्वास नहीं करते, परंतु इतिहास में कम से कम दो भोज अवश्य थे। एक तो प्रसिद्ध धारा नरेश भोज 1010 से 50 ईस्वी थे तथा दूसरे भोज 5-7वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए। संभवतः इसी दूसरे राजा के समय में माघ हुए थे। भोज प्रबंध में दोनों भोजों की कथाओं में गड़बड़ी मचा डाली है। माघ अपने मित्र भोज के पास आश्रय के लिए आए। भोज प्रबंध में लिखा है कि इनकी पत्नी राजा के पास कुमुद वनम अपश्री श्रीमद अम्बोज खंडम आदि पद्य को, जो भाग काव्य के प्रभात वर्णन में 11वें सर्ग में मिलता है, ले गई। इस पद्य को सुनकर राजा ने प्रभु धन दिया। उसे लेकर माघ पत्नी ने रास्ते में दरिद्रों को बांट दिया। माघ के पास पहुंचने पर उसकी पत्नी के पास एक कौड़ी भी नहीं बची, परंतु याचकों का ताता बंदा ही रहा। कोई उपाय न देख कर दानी माघ ने अपने प्राण छोड़ दिए। प्रातःकाल भोज ने माघ का यथोचित अंतिम संस्कार किया और बहुत दुख मनाया। माघ की पत्नी भी सती हो गई। माघ के जीवन की यही घटना ज्ञात है। यह सच्ची है या नहीं पत्नी, परंतु इतना तो हम निसंदेह कह सकते हैं कि माघ परंपरा अनुसार एक प्रतिष्ठित धनाढ्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। जीवन के सुख की समग्र सामग्री इनके पास थी। पिता ने इन्हें शिक्षा दी थी। पिता के समान ये बड़े दानी तथा उपकारी थे। संभवतः भोज के यहाँ इनका बड़ा मान था। माघ के समय निरूपण के लिए एक संदेहहीन प्रमाण उपलब्ध हुआ है। आनंदवर्धन ने शिशुपाल वध के दो पद्यों को ध्वन्यालोक में उदाहरण के लिए उद्धृत किया है। रम्या इति प्राप्तवती पताकः तथा त्रासा कुलः परिपतन फलतः माघ आनंदवर्धन नवम शती का पूर्वाद से प्राचीन है। एक शिलालेख से इसका यथार्थ ज्ञान होता है। डॉक्टर कील हार्ण को राजपुताने के वसंतगढ़ नामक किसी स्थान से वर्मलात राजा का एक शिलालेख मिला है। शिलालेख का समय 682 अर्थात 625 ईस्वी है। शिशुपाल वध की हस्तलिखित प्रतियों में सुप्रभ देव के आश्रयदाता का नाम भिन्न भिन्न मिलता है। धर्म नाम वर्म नाम धर्मलात वर्णलात आदि अनेक पाठ भेद पाए जाते हैं। भीनमाल के आसपास के प्रदेश में शिलालेख की उपलब्धि से डॉक्टर कील हार्ण वर्मलात को असली पाठ मानकर इस राजा तथा सुप्रभ देव के आश्रयदाता को कि यथार्थ अभिन्न मानते हैं। अतः सुप्रभ देव का समय 625 ईस्वी के आसपास है। अतः इनके पौत्र माघ का समय भी लगभग 650 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी तक होगा, अर्थात माघ का आविर्भाव काल 7वीं सदी का उत्तरार्ध मानना उचित है।
माँ की कीर्ति लता केवल एक ही माँ काव्य शिशुपाल वध रूपी वृक्ष पर अवलंबित है। श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर के राजसूय युग में यज्ञ में चेदी नरेश शिशुपाल के वध का सांगोपांग वर्णन है। यही शिशुपाल वध महाकाव्य का वर्ण्य विषय है। श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर के राजसूय युग में चेदी नरेश शिशुपाल के वध का सांगोपांग वर्णन है। यही शिशुपाल वध महाकाव्य का वर्ण्य विषय है। इसका प्रेरणा स्रोत मुख्यतः श्रीमद् भागवत है, गौण रूप से महाभारत। वैष्णव मार्ग के ऊपर भागवत अपना प्रभाव जमाए था, फलतः उसी के आधार पर कथा का विन्यास है। सर्गों की संख्या 20 तथा श्लोकों की 1650 है। द्वारका में श्री कृष्ण के पास नरक पदार कर दुष्टों के वध के लिए प्रेरणा देते हैं, प्रथम सर्ग की कथा। युधिष्ठिर के राजसूय युग में जाने के लिए बलराम तथा उद्धव द्वारा मंत्रणा द्वारा निश्चय किया जाता है, द्वितीय सर्ग। श्री कृष्ण दल बल के साथ इंद्रप्रस्थ की यात्रा करते हैं, तृतीय सर्ग। तदनंतर महाकाव्य के पूरक विषयों का वर्णन आरंभ होता है, रेवतक का चतुर्थ सर्ग। कृष्ण के रेवतक निवास का पंचम सर्ग, ऋतुओं का छठा सर्ग, वन विहार का सातवां सर्ग, जल क्रीड़ा का आठवां सर्ग, सूर्यास्त तथा चंद्रोदय का नवां सर्ग, मधुपान और सूरत का दसवां सर्ग, प्रभात का ग्यारहवां सर्ग, प्रातःकालीन अभियान का बारहवां सर्ग, पांडवों से मिलन तथा सभा प्रवेश का तेरहवां सर्ग, राजसूय याग तथा दान का चौदहवां सर्ग, शिशुपाल द्वारा विद्रोह का पंद्रहवां सर्ग, दूतों की उक्ति प्रत्युक्ति का सोलहवां सर्ग, सभासदों के शोक तथा युद्धार्थ कवच धारण का सत्रहवां सर्ग, युद्ध का अठारहवां तथा उन्नीसवां सर्ग तथा कृष्ण और शिशुपाल के साथ द्वंद्व युद्ध का वर्णन 20वें सर्ग में निष्पन्न होता है। इस विशेष सूची पर आपतः दृष्टि डालने से स्पष्ट है कि लघु काय वृत्त को परिमित कर महाकाव्य के निर्वाह के लिए माघ ने 8 सर्गों की योजना 14 सर्ग से 14वें सर्ग से 11 सर्ग तक अपनी प्रतिभा के बल पर की है। अलंकृत महाकाव्य की आदर्श कल्पना महाकवि माघ का संस्कृत साहित्य को अविस्मरणीय योगदान है। इसका अनुसरण तथा परिग्रहण कर हमारा काव्य साहित्य समृद्ध संपन्न तथा सुसंस्कृत हुआ है। मागे संति त्रयो गुणा, उपमा अर्थ गौरव तथा पद लालित्य, इन तीनों गुणों का सुबक दर्शन हमें माघ की कमनीय कविता में होता है। काव्य की प्रधान कल्पना का मुख्य आधार भागवत है, भागवत पुराण ही है। माघ की काव्य शैली अलंकृत शैली का चूड़ान दृष्टांत है, जिसका प्रभाव अवान्तर कवियों के ऊपर बहुत ही अधिक पड़ा। माघ परिष्कृत पद विन्यास के आचार्य हैं। सीधे साधे शब्दों में पदार्थ निरूपण ऊंचे काव्य की कसौटी नहीं है। प्रत्युत वक्रोक्ति से मंडित तथा शाब्दिक और आर्थिक चमत्कार के उत्पादक अलंकारों से सुसज्जित पद विन्यास ही माघ की दृष्टि में सच्चे काव्य का निदर्शन है। फलतः इनके काव्य में समासों की बहुलता, विकट वर्णों की उदारता, गाढ़ बंधों की मनोहरता पाठकों के हृदयावर्जन में सर्वथा समर्थ होती है। माघ के प्रवीण पद्य उस गुलदस्ते के समान है जिसे माली ने अनेक रंगीन फूलों के मंजुल मिश्रण से तैयार किया है और जो खूब कटे छटे नपे तुले विदग्ध जनों के मनोविनोद के लिए प्रस्तुत एक नैना विराम कलात्मक पदार्थ होता है। परंतु कई कई विशेषतः 19वें सर्ग में युद्ध के वर्णन के प्रसंग में चित्रालंकारों का बाहुल्य कवि की शाब्दिक चमत्कारिणी प्रतिभा का निर्देशक होने पर भी आलोचकों के नितांत वैरस्य का कारण बनता है। अर्थालंकारों का उपन्यास बड़ी मार्मिकता से किया गया है। माघ ने नाना प्रकार के लघुकाय गीति छंदों का प्रयोग कर अपनी सहृदयता तथा विदग्धता का परिचय दिया है। मालिनी छंद के तो माघ रसित आचार्य हैं। एकादश सर्ग में प्रभात के वर्णन में प्रयुक्त मालिनी की शोभा अप्रतिम है। माघ पंडित कवि हैं। इन्होंने नाना शास्त्रों के विषयों का उपयोग अपनी उपमा तथा उत्प्रेक्षा जमाने के लिए बड़ी सुंदरता से किया है। रेवतक के वर्णन में उद्भावित एक नवीन कल्पना माघ के घंटा माघ अभिदान का कारण बनती है। पर्वत की हाथी से तथा उनके दोनों ओर लटकने वाले सूर्य तथा चंद्र की घंटा से तुलना प्राचीन आलोचकों को इतनी अधिक रुचि कि उन्होंने मुग्ध होकर इन्हें घंटा माघ का विरुद्ध दे डाला। माघे संति त्रयो गुणा, उपमा की सुषमा,
नवीन चमत्कारी उपमा का विन्यास माँ की विशिष्टता है। माँ के पात्रों में खूब सजीवता है। रेव तक से बहने वाली नदियों के वर्णन में कवि अपने प्रेमी हृदय का परिचय देता है। अब शंकम अंग परिवर्चनो चिता चलिता पुरम पतिम उपे तुम आत्मजा अनुरोधित तीव करुणेन पत्रिना विरुतेन वत्सलतया एष निम्न का। पहाड़ियां पहाड़ी नदियां कलकल शब्द करती भी बह रही हैं। ये निडर होकर उसकी गोद में लोटपोट किया करती हैं। अतः वे रेव तक की बेटियां हैं। आज वे अपने पति समुद्र से मिलने के लिए जा रही हैं। इस कारण रेव तक चिड़ियों के करुण स्वर के द्वारा जान पड़ता है कि प्रेम के कारण रो रहा है। कन्या के पति ग्रह जाने के समय पिता का हृदय पिघल जाता है। वह कितना भी कठोर हो द्रवीभूत अवश्य हो जाता है। पीड़यन्ते गृहिण कथम नु तन्या विश्लेष दुखै नवै। अतः रेव तक की पक्षियों के करुण स्वर से कन्याओं के लिए अतः रेव तक भी पक्षियों के करुण स्वर से कन्याओं के लिए रो रहा है। ठीक है, पिता का हृदय कोमल होता ही है। अर्थ गौरव, अर्थ का गौरव। बारहवीं के समान माघ में भी अर्थ गौरव के उत्पादन में विशेष क्षमता थी। बारहवीं के समान माघ में भी अर्थ गौरव के उत्पादन में विशेष क्षमता थी। वे भलीभांति जानते हैं कि कतिपय वर्णों के ही विन्यास से वांग्मय में अनंत विचित्रता उसी प्रकार उपजती है जिस प्रकार केवल सात स्वरों से ग्रथित होने वाला गायन अनंत रूप से विचित्र बन जाता है, और इसलिए वे वाणी के प्रतान को पटी के प्रतान के समक्ष मानते हैं। दूसरे सर का 73 पद्य अर्थ के गांभीर्य से माघ काव्य पूरा भरा पूरा है। यह दार्शनिक तथ्यों के उद्घाटन के अवसर पर विशेष रूप से खुलता है। 14वें सर का 19वां पद्य तस्य सांख्य पुरुषे तुल्यता विवृत स्वयं अकुर्वत क्रिया कर्तृता तद उपलब्धो अभवत वृत्ति बाजी करने यथ ऋत्विजी। यज्ञ का वर्णन है, होम आदि क्रियाओं पाप पुण्य कर्मों को स्वयं न करते हुए सांख्य शास्त्र में वर्णित उदासीन पुरुष की समानता धारण करने वाले राजा युधिष्ठिर की अंतकरण के समान ऋतविजों द्वारा राजा युधिष्ठिर को अंतकरण के समान ऋतविजों द्वारा अधिष्ठित यज्ञ की भावना से कर्तापन की प्राप्ति हुई। यज्ञ का प्रसंग है, होम आदि क्रियाओं को स्वयं न करते हुए सांख्य शास्त्र में वर्णित उदासीन पुरुष की समानता धारण करने वाले राजा युधिष्ठिर को अंतःकरण के समान ऋतविजों द्वारा अधिष्ठित यज्ञ की भावना से कर्तापन की प्राप्ति हुई। चतुर्दश सर्ग में याग का वर्णन इतना विशद है कि कवि के अनुष्ठान विधिज्ञता पर याज्ञिक जन ही जुटते हैं। मंत्र के उच्चारण का विधान इस प्रकार ऋत्विज लोग कर रहे थे कि उसके अर्थ समझने में किसी प्रकार के संदेह का स्थान नहीं था। 14वें सर का 24वां पद्य संशया दत्तो स्वरूपताम दूरभिन्न फलो क्रियाम प्रति शब्द शासन विद समासयो विक्रम व्यवससु स्वरेन्ते। आश्चर्य यह है कि मंत्रों में जहाँ कहीं ऐसे संदेह उत्पन्न करने वाले समास आ जाते थे जिनका विग्रह कई प्रकार से हो सकता था, तो ऐसे स्थलों पर व्याकरण के ज्ञाता ऋत्विजगण स्वर के द्वारा यजमान के प्रकट कर्म के अनुकूल अर्थ का निश्चय विग्रह के द्वारा कर रहे थे। आदर्श राजा के स्वरूप का यह चित्रण कितना समुचित तथा चमत्कारी है। बुद्धि शस्त्र प्रकृति अंगो घन संवृत्ति कंचुक चारेक्षणो दूत मुख पुरुष को अपि पार्थिव। दूसरे सर का 82वां पद्य शस्त्र जिसकी बुद्धि है, जिसके अंग प्रकृति प्रजा स्वामी अमात्य आदि हैं, जिसका कवच दुर्भेद्य मंत्र की सुरक्षा है, जिसके नेत्र गुप्तचर हैं, जिसका मुख संदेश वाहक दूत होता है, ऐसा राजा सामान्य जन न होकर अलौकिक पुरुष होता है। इस अल्पकाय श्लोक में अर्थ का गौरव पूरी मात्रा में विद्यमान है। पद का लालित्य, माघ तो पद विन्यास के बादशाह ठहरे। न केवल शब्दों तथा पदों के ललित विन्यास में ही माघ निपुण थे, प्रत्युत नित नूतन श्रुति मधुर शब्दावली के तो मानो वे शलाकीय शिल्पी थे। नूतन नवीन शब्दों का उन्होंने इतना अधिक प्रयोग किया है कि संस्कृत में यह आभानक ही प्रसिद्ध है कि माघ के नव सर्ग बीतने पर नव शब्द मिलता ही नहीं। नव सर्ग गते माघे नव शब्दो न विद्यते। यह कथन अर्थवाद नहीं है, प्रत्युत तथ्यवाद है।
पद माधुर्य की निपुणता के आचार्य माँ की कविता कामिनी की प्रशस्ति किन शब्दों में की जाए। उनके शब्दों में इतनी संगीतात्मकता एक रस्ता है कि वीणा के तारों के झंकार की भांति अर्थ अवबोध की प्रतीक्षा बिना किए ही वह श्रोताओं के हृदय की को रसाप्लुक बना देती है। वसंत की सुषमा का संकेत कितना मधुरता से शाब्दी ध्वनि द्वारा विद्युतित हो रहा है। पांचवें सर का पीसवा पद्य, मधुरया मधु बोधित माधवी, मधु समृत समेदित मे दया, मधु करांगनाया मुह उन्मद ध्वनि भ्रता निभ्रताक्षरम मुझगे। श्लोक के सरस वर्णों के उच्चारण के समय जीभ फिसलती विमानों चली जाती है, बिना किसी परिश्रम के अनायास ही, बिना अंत तक पहुंचे वह ठहरने का नाम नहीं जानती। कर्ण कुहरों में अमृत बरसा अमृत रस घोलने वाली मधुर पदावली ही पर्याप्त आनंद देने वाली है। इन पद्यों का स्वाद साधारण पाठक भी ले सकता है, परंतु माघ के पांडित्य मंडित अर्थों को समझना उनकी समझ से बाहर की बात है। उचित ही है कवि पंडित माघ की काव्य कला परखने के लिए हृदय के साथ मस्तिष्क की भी नितांत आवश्यकता होती है। विचित्र मार्ग के उद्भावक भारवी और माघ की अलंकृत शैली का प्रभाव केवल भारतवासी कवियों पर ही नहीं पड़ा, प्रत्युत बृहत्तर भारत के भी कवि उनसे इतने ही प्रभावित हैं जितने भारतीय कवि। ठीक ही है मेघे मागे गतम वह।